पहले आपको बताएं कि धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से अचानक बिजली का ब्रेकडाउन हो गया है। तर्जुमान ने बताया है कि ब्रेकडाउन के बाइस धाबीजी पंपिंग स्टेशन के तमाम पंप्स बंद हो चुके हैं। मजीद जानते हैं, आज जो उसके नुमाइंदे शमील अहमद हमारे साथ मौजूद है। शमील अहमद, बताइएगा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से वजह बताई गई है कि ये पंप्स ब्रेकडाउन क्यों हुआ है बिजली का? देखिए, के इलेक्ट्रिक की जानिब से किसी किस्म की कोई इस हवाले से कोई बयान नहीं आया, लेकिन वाटर बोर्ड के जो तर्जुमान है उनका कहना है कि अचानक बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है धाबीजी पंपिंग स्टेशन के पंपिंग स्टेशन पर, जिसकी वजह से तमाम जो उनके पंपिंग स्टेशन पे उसने काम करना बंद कर दिया। बैक प्रेशर की वजह से 72 इंच की दो लाइनें जो है वो फट गई हैं, जिसके बाद आखिरी तौर पर शहर को पानी की फराहमी मुअत्तल की गई है और इसके साथ ही कराची में जितने भी हाइड्रेंट्स हैं उन पर भी पानी की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। और इस हवाले से तर्जुमान क्या कह रहा है कि जैसे ही बिजली बहाल होती है तो जो मरम्मती काम है वो भी शुरू किया जाएगा इसी दौरान, जबकि जो दीगर नुकसान आते हैं उसका भी जायजा लिया जा रहा है। जी शबील अहमद, अमूमी तौर पर जो भी कोई तरक्याती काम भी हो रहा होता है तो बड़े इलाकों में भी अब तो बता दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कि कितने घंटे के लिए बिजली बंद रहेगी। क्या धाबीजी पंपिंग स्टेशन को कभी भी इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि इलेक्ट्रिक की जानिब से? हर बार हम देखते हैं कि कई लाइनें फट जाती हैं और उसकी वजह से पानी जाया होता है। जी देखिए, के इलेक्ट्रिक का तो कहना ये होता है कि जी वो मुतला कर देते हैं, लेकिन जिस तरह अभी जो बयान आया और जो तर्जुमान वाटर बोर्ड है उनका यही कहना है कि इस हवाले से कोई इतला नहीं थी और अचानक ये ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से जिसकी कोई इतला नहीं दी गई थी और उसके बाद धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर कई लाइनें फट गई हैं जिससे पानी का जिया हो रहा है। बहुत शुक्रिया शमील, आपने हमें अपडेट किया।